प्रोटीन्स के प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद अगर आप सीखना चाहते हैं प्रोटीन का टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद, स्वागत है आपका विनम गाइडेंस पर। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं प्रोटीन्स के टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की, तो आइए सीख लेते हैं। प्रोटीन्स का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया था, एक सिंपल चेन है पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिस वॉज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स लाइकवाइज, और दिस इज पैरेलल एंड दिस गोज एंटी पैरेलल लाइकवाइज। तो ये तो हो गया प्रोटीन का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन अपना स्ट्रक्चर फोल्ड कर लेती है और एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देती है, तो तब हम उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल का मतलब आपको पता है, तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पर बोर्ड में फिलहाल दो ही कोऑर्डिनेट्स दिखाई जा सकते हैं, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई। इसी के साथ डेप्थ में निकल जाए ये थर्ड कोऑर्डिनेट, तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी कॉल्ड एज जेड कोऑर्डिनेट, ये इसका थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो जब कोई प्रोटीन इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में एग्जिस्ट करे, तो इस तरह के प्रोटीन्स को बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्चुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह का टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे है, कौन से बॉन्ड्स, कौन सी फोर्सेस, कौन से इंट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। यहां पर बेसिकली कुछ इंट्रैक्शंस हैं, जैसे कि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंट्रैक्शन, और वीक वंडरवाल फोर्सेस, या फिर कोवेलेंट इंट्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसके बाद में करेंगे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, जिसमें क्या है कि जो अमीनो एसिड्स का आर ग्रुप होता है, दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज साइड चेन, एक अमीनो एसिड की एक साइड चेन दूसरे अमीनो एसिड की दूसरी साइड चेन के साथ जब आपस में इंटरैक्ट करने लगे, प्रोवाइडेड ये दोनों ही साइड चेन्स हाइड्रोफोबिक हों, हाइड्रोफोबिक, तो इस केस में इस तरह की इंट्रैक्शन कहलाएगी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक साइड ग्रुप्स, जैसे सपोज वेलिन था, आप अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, ऊपर आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा था वेलिन का, सपोज ये अल्फा कार्बन, इसके साथ ये अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये साइड चेन, दिस वॉज अबाउट वेलिन। इसी के अलावा सपोज ल्यूसीन, ल्यूसीन में भी ऐसे ही था, ल्यूसीन में भी ये जो साइड चेन है ये हाइड्रोफोबिक है, इसके अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ना ही कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ना ही कोई अमीनो ग्रुप है। तो इस तरह की जो साइड चेन्स होंगी दे विल बी हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स, और ये हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स
आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के थ्रू, ये स्ट्रक्चर को स्टेबल बना सकती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हाइड्रोजन एटम जब किसी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे तब इस तरह के बॉन्ड को बोल देते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी जो प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहता है, आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। आयनिक इंट्रैक्शंस, आयनिक इंट्रैक्शन में सपोज सोडियम यहाँ प्रेजेंट है, क्लोराइड यहाँ प्रेजेंट है, तो इनके बीच में अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर ये बन गया आयनिक इंट्रैक्शन। बट ये तो बात हो रही है मेटल आयंस की, प्रोटीन्स के केस में अलग चीज़ है। प्रोटीन्स के केस में क्या है कि सपोज कहीं OH प्रेजेंट है, जैसे कि सेरीन में थ्रियोनिन में था, और ये अपना हाइड्रोजन लूज कर दे और यहाँ पर आ जाए नेगेटिव चार्ज, और कोई दूसरा अमीनो एसिड है उसके साइड चेन पर प्रेजेंट है कोई पॉजिटिव चार्ज, तो वो फिर आप उसमें बॉन्डिंग कर सकते हैं वाया आयनिक इंट्रैक्शंस। फिर ऐसे ही वीक वंडरवाल फोर्सेस जो क्लोज मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्ट कर सकती हैं। फाइनल इसमें है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो बनता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बीच में, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर में कोई और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाएगा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा तो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये चीज मैंने बताई थी अपने अमीनो एसिड्स वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं लिंक से। दिस इज अगेन CH2, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अमीनो ग्रुप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। ये एक अमीनो एसिड सिस्टीन है, ये दूसरा सिस्टीन है, और जब इनके बीच से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और दोनों सल्फर के बीच में बॉन्ड आ जाएगा तब स्ट्रक्चर बनेगा सिस्टीन। तो यही डिफरेंस है सिस्टीन में और सिस्टीन में, स्पेलिंग का डिफरेंस आप देख सकते हो, यहां पर ई आ रहा है बीच में टी के आगे, यहां पर ई नहीं आ रहा, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस आप देख सकते हो। अगर यहां पर ये बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड होगा इतना स्ट्रक्चर, दिस बिकम्स सिस्टीन अमीनो एसिड, ऐसे ही ये वाला दूसरा सिस्टीन। लेकिन जब ये हाइड्रोजन हट गया, अब इनके बीच में आ गया बॉन्ड विच इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, तब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सिस्टीन। तो इस तरह का कोवेलेंट इंट्रैक्शन मिलता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, इसके अलावा और कोई कोवेलेंट इंट्रैक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज द ओनली कोवेलेंट बॉन्ड दैट कुड बी फाउंड इन केस ऑफ टर्शियरी प्रोटीन्स। इसमें क्वेश्चन जो जनरली पूछते हैं वो ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों मिलता है, और जो प्रोटीन्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों नहीं मिलता। तो इसका रीजन ये है कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो बना है इस सल्फर और इस सल्फर के ऑक्सीडेशन से, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कहां होगा, ये ऑक्सीडेशन वहां होगा जहां पर एनवायरमेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट में ही मिलेगा ये ऑक्सीडेशन। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है ये मिलता है सेल्स के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर जो एनवायरमेंट होगा, सपोज ये सेल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहां पर मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, और सेल के अंदर जो एनवायरमेंट है साइटोप्लाज्म वगैरह में वो है रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग होने की वजह से अंदर वाला मॉलिक्यूल, अंदर अगर कुछ सिस्टीन प्रेजेंट है तो यहां पर वो अपना हाइड्रोजन ग्रुप लूज नहीं करेगा, और
जो सेल के बाहर प्रेजेंट है वहां पर वो फौरन से अपना हाइड्रोजन एटम लूज कर देगा और दो सल्फर आपस में मिलकर के बना लेंगे बॉन्ड, बन जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट आता है प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तब वो बनाती हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अब दो चेन इंटरेक्ट करेंगी या दो से ज्यादा चेन्स इंटरेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली एक चेन प्रेजेंट होगी तो वो सीधी सीधी लीनियर स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होगा नहीं, किसी तरह लीनियर चेन तो प्रेजेंट होगी नहीं, ऑब्वियसली वो किसी न किसी शेप में ही होगी। या अगर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है और एक और दूसरी चेन आ गई, इसका भी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो ये चेन्स अगर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, हो सकता है इसी चेन की कोई सेकंड कॉपी हो, अगर ये अल्फा चेन है तो हो सकता है ये भी अल्फा चेन ही हो, मतलब इसी की एक कॉपी हो, और अगर ये अल्फा चेन है तो ये भी हो सकता है कि ये बीटा चेन हो, मतलब कि ये कोई और प्रोटीन हो, कोई और स्ट्रक्चर हो, किसी और जीन से एनकोड होकर के आया हो। तो अगर ये सेम चेन्स हैं तब तो ये कहलाएगा होमोमेरिक, होमोमेरिक स्ट्रक्चर। और अगर ये अलग अलग चेन्स हैं, ये वाली अल्फा है, ये वाली बीटा है, तब कहलाएगा हीट्रोमेरिक स्ट्रक्चर, हीट्रोमेरिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर हीट्रो मीन्स दो अलग 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 चेन्स आ गई। और इन दोनों चेन्स के बीच में किस तरह के इंट्रेक्शंस होंगे, सेम वही इंट्रेक्शंस जो टर्शियरी में पाए गए थे, हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शंस, वैन डेर वाल्स इंट्रेक्शंस, आयनिक इंट्रेक्शंस प्लस कोवेलेंट इंट्रेक्शंस ऑल्सो, नॉट ओनली द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बट अदर कोवेलेंट इंट्रेक्शंस ऑल्सो। तो जब ये मे बी टू हो, मे बी मोर देन टू, डिपेंड करता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मल्टीमेरिक, मल्टीमेरिक आता है टर्म, मल्टीमेरिक, मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर अगर चेन्स बहुत ज्यादा हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या है कि दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है, मेनली एडल्ट्स में यही पाया जाता है, 97% हीमोग्लोबिन एडल्ट्स में जो होगा वो अल्फा और बीटा चेन का डाइमर होगा, बाकी बचा 3%, आपके मन में शंका रह गई होगी कि बाकी बचा 3% क्या होगा, तो बाकी बचा 3% होगा अल्फा 2 डेल्टा 2, यानी कि दो चेन्स होंगी डेल्टा पॉलीपेप्टाइड की, दिस इज HBA1, दिस इज HBA2। तो हीमोग्लोबिन की बात करेंगे हम नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो आगे इनके एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्ल्स हैं, बोर्ड्स इफेक्ट एक्सेट्रा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं इसमें, वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाला है। फिलहाल ये टर्शियरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर दोनों ही सीख गए आप। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन प्रोटीन्स के ऊपर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कर्व्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ब्लैक थंब को व्यू कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।